आज आप एक कहानी और केवा वो केवा है आप आपा के घर की बार की नहीं जमा हरावल की जो बात है हरावल में भी किस तरह आपा के लुगया तक काम में आई है आपा के वह देखा की बात है। आपने कोशीथल नाम को एक ठिकानो है चुंडावता को ठिकानो है ठीक ठाक मामूली ठिकानो है। तो कोशीथल ठाकुर साहब को तो देहांत भी किया वे भी लड़ाई में काम आया और पाछे एक विधवा पत्नी ने और दो चार साल का बेटा ने छोड़ दो को देहांत भी किया। अभी अगर संजोग की बात ऐसी है कि मराठा का हमला मेवाड़ के ऊपर भी दिया और मराठा अतरा लूट खसोट करता और अतरा हमला किया कि मेवाड़ ने नुकसान मुगलों ने भी वो सैकड़ा वर्ष तक लड़ता रिया जिखो ज़्यादा नुकसान मराठा की गाने लूटना हर तरह करना मेवाड़ ने कमजोर अगर जर्जर की दी तो यहाँ मराठा की दी क्यों भाई सही बात है छाना तक छिपाई देता लोग चीज तो छोड़ते ही नहीं मतलब छाना ये भी छिपा देता ले जाएगा कटे। और बेचारा किसान और आम जनता इतनी तंग वेगी कि रात ने खेत आता तो चढ़सन लाग घरे लाइन आता बटे खेत तक पे नहीं छोड़ सकता छाना तक छिपा दे जो को नहीं छोड़े तो वो आंखों देता मराठा बिल्कुल अराजकता से यहाँ लोग फैलाई तो मराठा को हमलो वेरी और मेवाड़ बड़ी कमजोर वेरी राणा जी घबराई दिया कि अब वो मराठा को हम लोग भी इनको मुकाबलो किस तरह करा मुकाबलो तो करनो है। और सब सरदारा ने बुलाया कि भाई कि पिंडिया दर पिंडिया काम में आई रही हार बहुत कमजोर हालत रही थी पर बुलाओ सब सरदारा ने तो सब जगह रुक्का लिखिया ठिकाना बना के और राणा जी आदमी ने भेजा कि मराठा को हम लोग भेज है आप अपनी जिम्मत ले और इन लड़ाई में शामिल विवाने आप और ये वगैरह जो कोई गैर हाजिर रह जाएगा नहीं आ सकेगा मीकी जागीर जब्त कर ली दी जाएगा। ये वगैरह देश के ऊपर बड़ो ही एक संकट आयो किसा राणा जी है। अब राणा जी तो कह नहीं सको भाई किसा राणा जी और बिना इतिहास देखा बता ही नहीं सका वो राज सिंह जी के बाद कई झा ये पहले का नहीं है मराठा के बाद में जहाँ का हमला किया अब वो ऊंट और सवार हो